मेले को जय बलभद्रनाथ स्वामी क्षत्रिय सम्राट मीरभोज जी की जय। आज जिस तरीके से झालावाड़ की पावन धरती में क्षत्रिय सम्राट मीरभोज का आयोजन किया गया है और जिस तरीके से हमारे राजपूत एकता का प्रदर्शन है, बहुत ही सराहनीय है। आज झालावाड़ की पावन धरती से पूरे हिंदुस्तान में पता चल गया कि क्षत्रिय सम्राट मीरभोज जी राजपूत है और रहेंगे। जिसके पिता महान होते हैं सबको अपना पिता बनाना रहता है। हम लोग नागौर राज परिवार उनका वंशज है। आज से मेरी पीढ़ी, मेरे आजू बप्पा महाराज साहब सब लोगों ने यही कहा कि हम लोग क्षत्रिय हैं। आज भी हमारे पास हमारी वंशावलियां है और आज भी हम लोग का अस्तित्व जब लिखा जाता है तो क्षत्रिय में ही आते हैं, राजपूत में ही लिखा है। ये एक जातिवाचक जो ये स्थानवाचक शब्द को इन लोग जातिवाचक शब्द बना रहे हैं। हिंदुस्तान में हम लोग सब लोग रहते हैं। जैसे मेरा नाम अरुणोदय सिंह परिहार है, अगर टाइटल में बात करेंगे तो कुंवर या राजकुमार अरुणोदय सिंह परिहार आएगा। तो टाइटल मेरे नाम से पहले लगा है, ना कि मेरा सरनेम लगा है मेरे नाम से पहले। गुर्जर आज भी बड़ौदा महाराज को गुर्जर अधिपति कहते हैं। गुजरात शहर में जो जो राज्य करे हैं उनको गुर्जर अधिपति वरादेव भी कहा गया है। ये एक नासिक की बात है। जब किसी को किसी का वर्चस्व नहीं मालूम, आप कह रहे हो मीरभोज आपके हैं, वंशज वंशावली आपके पास है, हमारी वो जो आपने डाली थी उन्होंने काटा पीटी करके ले लिया। हम ये मानते हैं कि सम्राट मीरभोज सबके पूजनीय है, वो महापुरुष है और सबने मिलकर महापुरुष जिस तरीके से हमने जंग लड़ी है वो केवल राजपूतों की नहीं लड़ी है, वो सब समाज को लेकर लड़े। आप उनकी पूजा करें, आप उनकी आराधना करें, वो महापुरुष है। लेकिन आप गांधी जी का नाम बदल के मोहनदास करमचंद गांधी के बदले वर्मा लगा देंगे, ये गलत। ये सारा विवाद खत्म हो जाए, सारा विवाद जिस तरीके से आज हम लोग एकता हुए उस तरीके से एकता से लोगों को यही मैसेज जाएगा। जो ये भ्रम फैला रहे हैं लोग, इनके भी पूर्वज लोग हैं, आज भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो खुद ये कहते हैं कि हम लोग का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो क्षत्रिय राजपूत सम्राट मीरभोज है, राजपूतों के महाराज है, लेकिन वो सबके राजा है।